आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल श्यामा और हिंदी में। आज हम करेंगे प्रैक्टिकल पेंटिंग का 225 हिंदी मीडियम का। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे बनना है, उद्देश्य क्या है, पर पर्सपेक्टिव के बारे में जान सकेंगे और छाया व प्रकाश का सही रूप से पहचान पाएंगे। वस्तु का आकार नाप अनुपति दर्शाने में मदद। और ये प्रैक्टिकल आपको हमें PDF में भी चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते। इमेजेस भी हैं इसके पीछे, इमेजेस भी आप क्लिक कर लिए और लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लिए, ठीक है। ये पूरा लिखना है इसके अंदर, इसके बाद इसके पीछे इमेज है, ये आप क्लिक कर लीजिए और इसे डाउनलोड कर लीजिए। छाया और प्रकाश के बारे में इसमें बताया गया है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, साफ़ सुथरा। अगर PDF में चाहिए तो कॉन्टैक्ट। इसके पीछे भी दो इमेजेस लगानी है, कलरफुल लगा दिए, ब्लैक एंड वाइट लगा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बना के लगा दें। ये पूरा लिखना है इसके अंदर, इसके पीछे फिर इमेजेज हैं दो, ये दो। इसके बाद है नाप व अनुपात, नाप क्या है और अनुपात क्या है। वस्तु चयित करते समय निर्देश, ये सारा पूरा दे रखा है, आप इसे बनाए। इसके पीछे भी इमेज है, ये भी बनाए। चित्र बनाने का तरीका दे रखा है, पूरा देखिए कैसे बनाना है, ठीक है, पूरा बनाना है। इसके पीछे इमेजेज है, ये भी बनाए। रंग योजना व रंग भरना, ये पूरा दिखा रखा है, आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद पीछे इमेजेज हैं, ये बनाए। इस प्रकार हमें डिब्बे की लंबाई और ये सारा पूरा दे रखा है, डिब्बे की ऊपरी सतह पर गिलास, ये सारा। इसके पीछे भी इमेज होती, नहीं इसके पीछे नहीं है। गिलास का मुंह व तल बनाने के लिए सारांश क्या है इसमें, वो भी दे रखा है। इसके पीछे एक इमेज है पेड़ पौधे की, और प्राकृतिक का चित्र है तो प्राकृतिक का चित्र गया पीछे, और प्राकृतिक यानी कुदरती चरित्र में वर्षित कैसे बनानी है वो सारा पूरा इसके अंदर दिखा रखा है। इसके अंदर भी दो तीन इमेजेज हैं, इनको भी क्लिक कर लें, PDF भी मिल जाएगी इनकी फ़ोटोज़ की। तो संतुलन क्या है पूरा बता रखा है इसमें, हिंदी मीडियम हो, उर्दू मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, सब में मिल जाएगा, ठीक है। आप उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए, सारी हेल्प की जाएगी। और ये आपका रंग भरना, ये पूरा इसके अंदर बताया, देख सकते हैं आप। पीछे इमेज है इसके, ये वाली इमेज है, एक ये वाली, तो इसे आप क्लिक करके आराम से कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारांश दे रखा है क्या है प्राकृतिक के चरित्र के बारे में, नीचे खाली है, अगले पर कुछ नहीं। मानव व पशु के आकृतियाँ, उद्देश्य शरीर की बनावट, नाप व अनुपात के बारे में जान पाए, सरल रेखा और इन सब चीज़ों के बारे में भी जान सके। इसके अंदर साधारणता के बारे में दे रखा है, और ये इसके बाद ये इमेजेस है। सरल रेखा चरित्र केवल सीधी रेखा द्वारा, ठीक है, स्कैन बनाना, सामने आना, ये सारा पूरा दे रखा है। इसके पीछे एक इमेज है, ये भी दे रखी है। मानव व पशु की आकृतियाँ यहाँ पे दे रखी है। घोड़े की चरित्र बनाने का तरीका पूरा इसमें दे रखा है। इसके बाद भाई ये इमेज है, इसका फ़ोटो क्लिक करिएगा, सारांश भी दे रखा है, ठीक है, कैसे करना है सारांश, यहाँ पे प्राकृतिक से रिलेटेड सारा बहुत साफ़ सुथरा करके दे रखा है। इसके बाद है संयोजन, उद्देश्य क्या है, ठीक है, संयोजन की योजनाएँ प्रक्रिया के बारे में दे रखा है। इससे रिलेटेड इमेज दे रखी है, इसको क्लिक करके बना लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर संकरात्मक संयोजन, इससे रिलेटेड पूरा लिख रखा है, अभी पूरा लिख लीजिएगा। पीछे इमेज है, ये भी लिख लीजिएगा। संयोजन एक आकर्षित केंद्रीय बिंदु है, इसके बारे में वस्तु चित्र और ये सब। इसके पीछे इमेज ये बनानी है, और फिर एक और चीज़ है ये पूरा करना है, और फिर ये फोटो है, और फिर प्राकृतिक दर्शा के संयोजन और उसके बारे में। यहाँ पे आपका जो है तकरीबन 23 पेजेस में पूरा हो गया इसका प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल यहाँ पर पूरा हो गया आपका, ठीक है, पेंटिंग का। और उम्मीद है कि समझ में आएगा। अगर आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।